भाई आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटारा मूवी के बारे में। और भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी मूवी बहुत कम बनती है, लेकिन जब भी बनती है एकदम हार्ट को टच कर जाती है। और भाई इस मूवी को देख के तुम ऐसा सोच लो कि ये तुम अपने फ्यूचर में जाके अपने बच्चों को या किसी को भी बताओगे कि हाँ भाई हमारे टाइम में एक ऐसी मूवी बनी थी जो कि अब तक भी कोई नहीं बना सकता। लाइक योर फादर, जैसे आपके फादर किसी मूवी को बोलते होंगे कि भाई हमारे टाइम में एक ऐसी मूवी बनी थी जो आज के टाइम में भी नहीं बन सकती। तो भाई आज की वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, सीधी बात नो बकवास विद अभी के साथ। ये मूवी देख के यार कुछ अलग ही फीलिंग आई। फॉरेस्ट थीम जो इसमें दिखा रखी है, मैं आपको छोटा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। एक राजा है जो कि अपनी ज़मीन को कुछ किसानों को दे देता है खेती करने के लिए, लेकिन वो अब राजा तो की तो डेथ हो चुके हैं, लेकिन उस राजा के जो बच्चे हैं वो उन किसानों से अपनी ज़मीन वापस ले रहे हैं। और उस बीच में ये जो एक नॉर्मल स्टोरी है, इस स्टोरी के बीच में एक शिवा और उसकी फैमिली कैसे आकर के अटक जाती है, ये एक तुम लोगों को मूवी देखने वाली बात होगी। और जो भाई इस मूवी का थिएटर एक्सपीरियंस है, जो बार बार ये मूवी गूज़बम्प्स देती है। हाँ मैं तुमको पहले बता दूँ कि ये मूवी हिंदी में नहीं है, ये मूवी अगर तुम लोग को देखने सबटाइटल के साथ तुम देख सकते हो। बेसिकली ये कन्नड़ क्रिएशन है, जो इसमें लोकल ट्राइब्स के जो रिलीजियस जो पुरानी रीति प्रथा दिखाई है, सच बता रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता थी, मूवी देखने के बाद ही मुझे पता चली। सच बता रहा हूँ यार, तुम लोग यार फीलिंग को समझ जाओ, ऐसी मूवी देख के यार दिल खुश हो जाता है। और भाई जब तुम थिएटर में जाके देखोगे गूज़बम्प्स आने गारंटेड है। और भाई मैं तुम लोग को अगर बता भी दूँ, इस मूवी में एक और थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूँ, इस मूवी में एक फॉरेस्ट ऑफिसर दिखाया जो कि जंगल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और कुछ लोग फॉरेस्ट ऑफिसर को उस लोकल गांव के जो आदिवासी रहते हैं उनसे भिड़वा देते हैं, और क्यों भिड़वा देते हैं ये तुमको सिर्फ मूवी देखकर ही पता चलेगा, मैं नहीं बताऊंगा भाई। और जो इसका क्लाइमैक्स था यार, मैं क्या बताऊँ, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओ। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स हो सकता है इस मूवी के लिए। और भाई डेफिनेटली मैं इस मूवी को तुम लोग को भी कहूँगा कि भाई जरूर जा कर के देखो, भले यार सबटाइटल के साथ देखो, लेकिन जो डायरेक्टर उस मूवी में बताना चाहता है वो तुम एक अलग ही फील कर पाओगे कि हाँ भाई डायरेक्टर ने क्या बताया। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।